में नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को श्रीनगर जाने की इजाजत मिल गई है। इल्तिजा ने इस बारे में याचिका दायर की थी और अब उसे इजाजत मिल गई है। इल्तिजा अब श्रीनगर जा सकेंगी, अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर सकेंगी। आपको बता दें कश्मीर के जो तमाम नेता हैं उन्हें अभी नजरबंद किया गया है, और ऐसे में इससे पहले भी मीडिया के सामने इल्तिजा बयान दे चुकी थी कि उनकी मां से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, वो उनसे मिलना चाहती हैं। लिहाजा अब इल्तिजा को अनुमति मिल गई है, श्रीनगर जाएंगी और मां से मिल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर की गई थी इल्तिजा की तरफ से, और इल्तिजा ने इस बारे में शिकायत भी की थी मीडिया से। वो मुखर हुई थी और उन्होंने कहा था कि मेरी मां से मुझे मिलने की या फिर बात करने की इजाजत दी जाए। और आपको ये भी बता दें कि एचडी की अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यूसुफ तारेगामी को श्रीनगर से एम्स लाने की इजाजत उन्हें लेनी है और इसी बारे में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को अब इजाजत दे दी है अपनी मां से मुलाकात की। अनुच्छेद 370 जिस समय हटाया गया उससे पहले ही कश्मीर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, ताकि किसी भी सूरत में ऐसे कोई भी बयान या ऐसी कोई भी बात सामने आया है जिसकी वजह से उकसावे की कोई स्थिति बने या लोग भड़कें, विरोध प्रदर्शन की स्थिति हो, कोई भी बयान सार्वजनिक तौर पर दिए जाएं। लिहाजा नेताओं को अलग अलग गेस्ट हाउसेज में नजरबंद किया गया है। अब ऐसे में इल्तिजा ने मीडिया के सामने इससे पहले भी कहा था और अब उन्हें इजाजत श्रीनगर जाकर महबूबा मुफ्ती से मिलने की दे दी गई है।